राज्यपाल का फैसला, उद्धव की मुश्किल, एमएलसी की 9 सीटों पर क्या होगा फैसला, उद्धव 28 मई तक चुने गए तभी रहेंगे सीएम। महाराष्ट्र में राज्यपाल के फैसले ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी मनोनीत करने का फैसला टालते ही अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। आज सुबह चुनाव आयोग की बैठक होनी है जिसमें महाराष्ट्र में एमएलसी की 9 खाली सीटों पर चुनाव को लेकर फैसला हो सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नामांकन की सिफारिश की थी। भरोसा था कि राज्यपाल उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर देंगे, लेकिन हुआ उम्मीदों के ठीक उलट। गवर्नर ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने की अपील कर दी, वो भी तब जब उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से 3 दिन पहले ही फोन पर बात की थी। उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की मदद से सीएम तो बन गए, लेकिन वो महाराष्ट्र में अभी भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उद्धव ठाकरे के लिए 28 मई तक सदन का सदस्य बनना जरूरी है। तय तारीख तक उद्धव किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में गहराते इस सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया, हम चुनाव आयोग से सिफारिश करने के राज्यपाल के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि केंद्रीय चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के सलाह से विधान परिषद के 9 सीटों के लिए फौरन चुनाव कराने का निर्णय करेगा। इसके अलावा ये उन संकेतों का भी पालन करेगा कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। शिवसेना और बीजेपी के बीच कड़वाहट वैसे तो कोई नई बात नहीं है। जब साथ में गठबंधन की सरकार में थे तब भी शिवसेना केंद्र सरकार का विरोध करने में 4 कदम आगे रहती थी, लेकिन शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच की दूरी और बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको ये भी बता दें कि आज इस मीटिंग में तय हो जाएगा कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे कब तक विधायक रहेंगे। उनके लिए विधायक बनना बहुत जरूरी है और ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। उनको चुनाव लड़ना होगा और ये साफ हो जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग की जो बैठक 9:30 बजे होनी है उसमें एमएलसी की 9 सीटों पर आज फैसला हो जाएगा और फिर ये तय होगा कि उद्धव ठाकरे के लिए क्या विकल्प है। संजय सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या जानकारी है सबसे पहले अपडेट? देखिए, उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नहीं जा रही हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह से चुनकर आना है विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र, लेकिन जो वक्त है वो नहीं बचा था क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हुए जो इलेक्शन थे एमएलसी के विधान परिषद के वो पोस्टपोन करने पड़े थे। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद है तो अपर हाउस ने उन्हें रेकमेंड किया जाना था, लेकिन चूंकि वो 9 सीटों के लिए चुनाव पोस्टपोन हो गए थे इस वजह से उनका चुनकर आना मुश्किल लग रहा था, और क्योंकि उन्होंने नवंबर में शपथ ली थी आखिरी हफ्ते में तो उन्हें मई के आखिरी हफ्ते तक किसी न किसी तरह से महाराष्ट्र के विधानसभा में या विधान परिषद में किसी न किसी तरह से चुनकर आना है ताकि वो मुख्यमंत्री बने रहे। अगर 6 महीने के भीतर यानी मई के आखिरी हफ्ते के पहले वो चुने नहीं जाते तो उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो चली जाएगी। तो ये एक बेसिकली वजह है, और इसके लिए ताकि 2 जो नामांकित सीटें थी जो गवर्नर के कोटे में होती है उसके द्वारा भी कैबिनेट ने, महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 बार उद्धव ठाकरे का के नाम का रिकमेंडेशन किया, लेकिन वो रिकमेंडेशन जो थी उसको गवर्नर ने अब तक माना नहीं है, गवर्नर ने अब तक नॉमिनेट नहीं किया है। इसके वजह से कल एक नए घटनाक्रम के तहत में शिवसेना ने और की जो सरकार है उसने गवर्नर को कहा, गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन है उसको कहा कि जो 9 विधानसभा विधान परिषद की सीटें हैं जो खाली पड़ी हैं उन सीटों को भरने के लिए किसी। ठीक है संजय, फिर आगे आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि 9:30 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद ये तय होगा कि उद्धव ठाकरे की राह कितनी आसान बनती है या उनकी राह में अभी मुश्किलें बाकी हैं। अगली जो बड़ी खबर है वो ये कि प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है बिहार, पंजाब और राजस्थान सरकार की तरफ से। तीनों ही राज्यों की सरकारों ने कहा कि बसों में इतने सारे लोगों को लाना मुश्किल है। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने की इजाजत दे दी है और देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से जहां तहां फंस गए
हजारों लोग, जिसके बाद अब राज्य सरकारों ने यानी कि बिहार, पंजाब और राजस्थान की सरकार ने ये मांग की है केंद्र सरकार से कि इन्हें वापस लाने के लिए ट्रेन चलाई जाए। और क्या गाइडलाइंस हैं वो भी आप जान लीजिए, ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आई हैं। मजदूरों, विद्यार्थियों, पर्यटक और अन्य के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राज्य नोडल अथॉरिटी नियुक्त करें, फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, फंसे लोगों को लाने ले जाने वाली बसों को गुजरने दे राज्य सरकारें, जिन राज्यों के बीच आवाजाही होनी है वहां की अथॉरिटी पहल करे, सड़क के जरिए लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करें राज्य सरकारें, जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं मिलेंगे सिर्फ उन्हें ही इजाजत होगी, लोगों की आवाजाही के लिए बसों का उपयोग किया जा सकेगा, बसें सैनिटाइज होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक लोग बैठेंगे। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.